आज के इस नए युग में हर कोई कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल की बात करता है, लेकिन कोई इस चीज की बात नहीं करता कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो उसको सफलता की ओर ले जाता है। ये चीजें वेदों और पुराणों में बहुत पहले लिखा जा चुका है, तो चलिए जानते हैं वो इम्पोर्टेंट ट्रेट्स जो कि स्टूडेंट की जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए उन लक्षणों के बारे में जानते हैं संदीप शर्मा सर से। तो दोस्तों, राजू सर ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि विद्यार्थी के वो 5 लक्षण जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी संजोई हुई होती है। आइए जानते हैं विद्यार्थी के लक्षणों के बारे में हमारी संस्कृत भाषा में क्या कहा गया है। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो आइए जानते हैं इस श्लोक का हिंदी में अर्थ। काकचेष्टा, काकचेष्टा का अर्थ है जिस तरह एक कौवे में बहुत उत्सुकता होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ज्ञान जहां से भी मिले वहां से प्राप्त करने की हमेशा उत्सुकता एक विद्यार्थी के अंदर हमेशा होना चाहिए। वको ध्यानम, जिस तरह बगुले की नजर हमेशा मछली की तरफ होती है, उसी तरह एक विद्यार्थी को अपना ध्यान हमेशा पढ़ाई की तरफ केंद्रित करना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा का अर्थ है जिस तरह एक कुत्ता जरा सी भी आहट से जग जाता है, उसी तरह एक विद्यार्थी को आलस्य जीवन को त्याग कर अपने गोल की तरफ, अपने एम की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अल्पहारी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ज्यादा खाने से आलस्य आता है और एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। गृह त्यागी, यहाँ पर गृह त्यागी का अर्थ है कि एक विद्यार्थी को सारे मोह माया को छोड़कर जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक विद्यार्थी को सिर्फ पढ़ाई पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे विद्यार्थी के 5 लक्षण और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी अपने जीवन में इन लक्षणों को लाने का प्रयास करेंगे।